माइंडसेट विद एंड विदाउट मनी। एक आदमी के पास जब पैसा नहीं होता तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, और एक आदमी के पास जब पैसा होता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा, जरा बहुत ध्यान से। सर, माइंडसेट विद मनी, जिसके पास पैसा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसमें। जब आपके बैंक में पता है ना कि 6-7 महीना 8 महीना 10 महीना का मेरा खर्चा पड़ा हुआ है, आप अपने करियर में नया नया रिस्क लोगे। और जो आदमी नया नया रिस्क लेता है, हो सकता है उसका 2-3 रिस्क फेल हो जाए, 2-3 में घाटा हो जाए, लेकिन एकाध रिस्क अगर चल गया तो भैया उसकी किस्मत चमक जाती है। वही जिसके पास पैसा नहीं है, सर, वो डरेगा रिस्क लेने से। अरे भैया, अकाउंट में तो ये 10 ही दिन का पैसा बचा है, हम कहाँ से रिस्क ले लें, वो भी चला गया तो नहीं नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके चक्कर में होता क्या, वो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, वो हिलता नहीं है अपनी जगह से, इसलिए चक्कर में वो ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन चूंकि आदमी, जो आदमी रिस्क लेता है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। रिस्क लिए बिना आदमी बढ़ सकता है कभी? सर, जिसके पास पैसा होता है ना, उसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका बाइंग माइंडसेट होता है, समझिएगा। मेरा भी एक टाइम था जब पैसे नहीं होते थे ना, तो मन करता था अरे यार ये फ़ोन लें, ये लें, ये गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, यही सब दिमाग में चलता रहता था। फिर जब थोड़ा ठीक ठाक आने लग गया, ठीक ठाक होने लग गया, तो मन ही नहीं करता। अब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदेंगे, मन ही नहीं होता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ सर, जब आपके पास इनफ मनी होता है ना, तो फिर आपका दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें। अब यही दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ बनाएं, कौन से स्टार्टअप में लगाएं, अलग अलग स्टार्टअप से मीटिंग करते रहते हैं, कौन से स्टार्टअप में पैसा डालें जो कि अपना पैसा ये मल्टीप्लाई करके दे, यहाँ दिमाग चलता रहता है। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो फिर इच्छाओं पर दिमाग जाता है, और इसमें कोई दोष नहीं है, हम सब ऐसे ही होते हैं, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। कोई चीज़ की कदर हमारे को तभी होती है जब वो हमारे से दूर हो जाए या हमारे पास ना हो। वो गर्लफ्रेंड देखा होगा ना, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, जब तक आपके साथ हो तो कोई कदर नहीं है, हैं, दूसरे पर नज़र, दूसरे पर डोरे डाल रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे पर ताड़ रहे हो, लेकिन जब वही गर्लफ्रेंड छोड़ कर किसी और के साथ निकल ली, अब टेंशन में, अरे हमको छोड़ दी, हमको धोखा दे दी, अब पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। दारू रूम में जाकर के डूब गए, रहे हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, गजल उजल सुनने लग गए। ऐसा ही होता है जब पैसा नहीं होता है तो चीज़ें खरीदने पर ध्यान होता है, बाइंग माइंडसेट बना हुआ रहता है, लेकिन जब पैसा हो जाता है तो आदमी बाइंग माइंडसेट छोड़ करके इन्वेस्टिंग में बारे में सोचता है, और पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो वो सब सोचने लगता है। इसलिए पैसा कमाओ बहुत ज़रूरी है, नहीं कमाओगे तो इच्छाओं के बोझ दले दबे रहोगे और इच्छाएँ पूरी होने नहीं वाली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। EMI से इच्छा पूरा करोगे, क्रेडिट कार्ड से पूरा करोगे, लोन से पूरा करोगे, और दब जाओगे। इसलिए पैसा कमाओ। अच्छा, माइंडसेट विद मनी, सर, हाई कॉन्फिडेंस। माइंडसेट विदाउट मनी, लो कॉन्फिडेंस। हस्बैंड वाइफ एक रेस्टोरेंट में जाता है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, जहां वेटर भी अंग्रेजी बोलता है, बैठा, मेन्यू आया, मेन्यू को ताड़ा, ऊपर से 15 मिनट लगाया, मेन्यू को ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया पूरा, देखा कि अपने औकात में कुछ है नहीं, ज़्यादा ज़्यादा कॉफ़ी आएगा, डिस्कस किया, सुनो यहाँ कॉफ़ी पी कर निकलते हैं, बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। वेटर आया, सर ऑर्डर प्लीज सर, 2 कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी ओनली, यस प्लीज, एनीथिंग एल्स सर, नो, मुंह बिचका करके। वेटर भी समझ जाता, अच्छा इस सर्वा के खाए के औकात नहीं है, इसीलिए कॉफ़ी मंगा रहा है। डर में रहता है, वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाएगा, वेटर से भी डर रहा है, अरे वो अंग्रेजी में पूछ रहा है, तुम भी अंग्रेजी में जवाब, अंग्रेजी नहीं आ रहा है लेकिन बोलेगा अंग्रेजी में, अरे हिंदी में बोलो यार, बोलो उसको, तुम्हारा खाना बहुत महंगा है, नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं बगल वाले रेस्टोरेंट में, ऐसा बोलने में क्या जा रहा है, नहीं क्या सोच ले, गरीब ना समझ ले, हमको सबसे बड़ा दिक्कत यही है, उस सर्वा हमको गरीब ना समझ ले, उसको पता नहीं चल जाएगा हम गरीब हैं, इसीलिए हम तो कुछ तो ऑर्डर करेंगे, उसको कॉफी ऑर्डर करके निकल लें, कॉफी पीने का मन नहीं है, लेकिन चूंकि वो गरीब ना समझ ले इसलिए कॉफ़ी पी के जाएंगे। अरे तुमको समझ गया वो गरीब, पता चल गया, इसीलिए तुम कॉफ़ी पियो, खाने का औकात होता तो तुम खा के जाते। अगला, भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा बढ़िया एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड मैं कैरी करता हूँ, ये एटीट्यूड मैं बहुत पहले से कैरी करता हूँ। वैसे जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो बेगिंग एटीट्यूड होता है, भीख मांगने वाला एटीट्यूड, वो जिससे भी मिलेगा झुक के मिलेगा, कोई बहुत अमीर आदमी मिल गया झुक के मिलेगा, और कोई कोई पावरफुल आदमी मिल गया तुरंत जाकर पैर छू लेगा, अरे तुम्हारा चचा लगता है जो पैर छू रहे हो उसका, क्या तुमको दे देगा पैर छूने से। भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए,
सर जो आदमी आपको पसंद करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बन के रहो, और जो आदमी आपको पसंद नहीं करता उसको बोलो भाड़ में जाओ। आपको कोई गरीब समझता है बोलो भाड़ में जाए, आपको कोई समझता है कि इसके पास पैसे ही नहीं है भाड़ में जाओ, ये भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। मैं तो यही कैरी करता हूँ, मुझे जो पसंद नहीं करता भाड़ में जा, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मैं तो अपना काम जो कर रहा हूँ करूँगा, तू मुझे को गरीब समझ रहा अमीर पर समझ रहा मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जा। अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो या मेरे से मिलना जुलना पसंद करते हो, मेरे से बात करना पसंद करते हो, वेलकम, आओ गले लगाऊंगा, ऑफिस में बिठाऊंगा, मुझे पसंद नहीं करते भाड़ में जा। और ये एटीट्यूड होना चाहिए हर किसी की जिंदगी में, हर किसी का लाइफ में, भाड़ में जाओ एटीट्यूड लिख लो कहीं दीवार पे लगा दो, भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए, भाड़ में जाओ एटीट्यूड। जिस आदमी की वजह से डर लग रहा है ना, ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, भाड़ में जाओ। जिस आदमी के बारे में ये सोच रहा है ना, ये मुझे कहीं गरीब ना समझ ले, भाड़ में जाओ। जो आदमी आपको ये समझ ले किसी काम का आदमी नहीं है, इससे बात करके मेरा क्या फायदा, भाड़ में जा तू, मुझे भी तेरे से बात नहीं करना, भाड़ में जा एटीट्यूड लिख लो दीवार पे, बहुत काम आएगा, जिंदगी में सफल हो जाओगे। ठीक है, अगला, इंस्टेंट अर्निंग बिग रिटर्न। भैया ये मिडिल क्लास वाले सोच वाले जो होते हैं ना, देखो मिडिल क्लास आदमी पैसे से नहीं, मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास इधर से, और जो मैं रिच कह रहा हूँ पैसे से नहीं कह रहा हूँ, रिच इधर से, क्योंकि आदमी पहले रिच इधर से बनता है उसके बाद इधर से बनता है, तो मिडिल क्लास आदमी भी पहले इधर से होता है फिर वो इधर, समझे ना। मिडिल क्लास आदमी को इंस्टेंट अर्निंग चाहिए भैया, कोई ऐसा काम बताओ तुरंत कमाई शुरू हो जाए, उसको बोलो भैया ये काम सीख ले, दो तीन साल में तेरा अच्छा कमाई होने लग जाएगा, दो तीन साल अभी का बताओ, कल से क्या है वो बताओ, तो अगले महीने से क्या है वो बताओ, फिर उसके लिए तो जॉब है, हाँ तो कर लेंगे जॉब, कोई जॉब बताओ। अरे भैया जॉब करोगे तो 15,000 मिलेगा, लेकिन ये वाला काम सीख लोगे तो दो तीन साल में लाख दो लाख रुपये कमाने लग जाओगे। अरे दो तीन साल बाद आएगा ना लाख, हमको अगले महीने वाला बताओ, 15,000 मिलेगा, हाँ ठीक है करेंगे 15,000 वाले करेंगे वही ठीक है, बट बिग रिटर्न चाहिए आदमी को, बड़ा रिटर्न है। म्यूचुअल फंड समझाओ, कमेंट आते हैं म्यूचुअल फंड वाले हमारे वीडियो पे, सर ये तो 20 साल का है, 20 साल तक कौन जिंदा रहेगा, तो हम कहते हैं काम करो टर्म प्लान ले लो, मर गए तो कम से कम परिवार को पैसा मिलेगा, सर नहीं मरे तो, अरे तुमको दोनों ही चिंता है, मर गए तो नहीं मरे तो, तुम करना क्या चाहते हो भाई, क्लियर तो हो। इसीलिए आदमी फिर वो लॉटरी वाले काम में जाता है, FNO में फ्यूचर ऑप्शन में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं ना, वो लॉटरी के माइंडसेट से आते हैं इसीलिए लॉस करते हैं, कसिनो में जाएंगे वो ड्रीम इलेवन और पता नहीं इस तरह के गेम खेलेंगे, खिलाड़ी और कौन कौन से क्या क्या चलता है, एक बटन दबाने पैसा आ जाए। लेकिन अमीर आदमी जो रिच माइंडसेट होता है सर, वो फोकस करता है लेट अर्निंग पे बट स्ट्रांग अर्निंग पे, लेट पैसा आए लेकिन स्ट्रांग पैसा आए। जियो वाला प्लांट लगा दिया, भले ही भैया 10 साल बाद पैसा आएगा चलेगा, लेकिन मोटा आए आता रहना चाहिए, 10 साल तक, 5 साल तक, 20-20 साल तक आदमी लगा के निश्चिंत हो जाता है, धंधे वाला आदमी है। ये कहाँ चला गया, अगला पड़ गया क्या, पोल खोल दिया इसने तो। लो रिटर्न चाहिए बट कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, ये इनको नहीं तुरंत भैया, हमको तुरंत आज के आज 20% चाहिए, आज क्या साल भर बंद नहीं, आज के आज चाहिए, ये कहते हैं लो रिटर्न, छोटा रिटर्न मिले बट कंसिस्टेंट लंबे समय तक मिलता रहे। वॉरेन बफे कहते हैं भैया 16-17% 18% का रिटर्न मैं कितने सालों से ले रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, और वॉरेन बफे उसी को लेके इतना बड़ा आदमी बना है, लेकिन हमको तो 50% रिटर्न पहले दिन चाहिए, आज हम स्टॉक मार्केट आए नहीं, हमको आज ही पैसा हमारा डबल हो जाना चाहिए, जो लेके आए हो वो भी लेके जाएगा तुम्हारा स्टॉक मार्केट, यही होता है ना। फिर स्टॉक मार्केट तो जुआ है, हाँ तो तुम जुआरी बन के आए तो थे एक दिन में डबल करने, तो जुआरी के नियति से आओगे तो तुम्हारे लिए तो जुआ ही रहेगा, तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट ठुक के पटक के लेके जाएगा, पैसा कमाओगे, माइंडसेट गड़बड़ है चाचा, जब माइंडसेट गड़बड़ है तो कहाँ से पैसा कमाओगे तुम। इतने अमीर लोग दुनिया में हैं, उनका ऑडियो बुक यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है, सब सुनो, उनका माइंडसेट अपनाओ, लेकिन ये मुश्किल है ना, पेन लेटर प्लीजर नाउ, अभी मजा चाहिए, पेन तो बाद में देखा जाएगा, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पेन में बीतती है।